हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है शुक्रवार, अभी बज गया सुबह का 7। तो अभी आप लोगों को 7 बजे लेकर के ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो है ना, तभी सुबह सुबह उठ के है ना, मतलब बाकी जो काम था सब कर लिए हैं। तभी सोनू का अब्बू और बच्चे दोनों सोया हुआ है, तो हम उठ गए हैं, अपना काम कर लिया। और करने के बाद जो है ना, तो मुँह धो लिए। तो मुँह धोने के बाद में चाय तो नहीं पीते हैं, खाए की बाद में नाश्ता करेंगे। तो इसलिए ना गैस हो जाता है पेट में, तो इसलिए पानी पी लिए हैं, क्योंकि ताकि गैस ना हो। तो है ना, पूरा अच्छे से पूरे फ्रेश हो जाते हैं, फिर से जाएंगे अपना काम करने के लिए। तो बाबू तो अभी तक सोया हुआ है, तो इसका पता नहीं, इसका बूट के अभी गए हैं बाथरूम शायद से। और छोटी वाली बाबू अभी तक सोई हुई है, और है ना उसका बड़ी वाली बाबू भी नहीं है, नीचे चली गई है उठ के। तो अभी उठा रहे तो उठ ही नहीं रहा, तो क्या है ना, बहुत प्यार से इसको सुला रहे, मतलब क्या करें, उठा भी नहीं सकते हैं ना। तो लोग को हर चीज़ बर्दाश्त हो जाता है, बच्चे है ना, प्यार करते हैं। तो क्या है ना दोस्तों, ज़िंदगी में प्यार मिठास बनाए रखेंगे ना, तो ज़िंदगी है ना, मतलब जन्नत से भी सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि अपने ज़िंदगी में ना प्यार, हर मुँह का बोली में प्यार होना चाहिए। और संसार को प्यार देंगे ना, तो उसके बदलाव भी प्यार ही मिलेंगे। तो है ना, ये लोग का बगैर तो कुछ अच्छा नहीं लगता सारा दिन। थोड़ा भी बड़ी वाली बाबू स्कूल जाती है ना, तो मतलब घर खाली खाली सा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। बच्चे सबको ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं दोस्तों। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो क्या ना, अभी तो आजकल जानते हैं पूजा का काम चालू हो गया है। तो सोनू बाबू है ना सुबह सुबह काम बैठेंगे, क्योंकि है ना, तो उनका मतलब क्या, रात को कल मार्केट था, तो मार्केट चले गए थे ना, तो इसीलिए है ना, और काम नहीं किए थे। तो अभी रात को भी किए थे काम, तो थोड़ा गंदा कचरा करके रख दिए थे। तो इधर देखिए, रात का काम है ना, मतलब आधा करके रखे थे, और ब्लाउज मतलब सिल रहे थे। तो सोनू बाबू थोड़ा दुकान तरफ गए हैं ना, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा उनका हेल्प कर दे। तो इसीलिए है ना, तो ब्लाउज़ का अंदर में जो अस्तर वगैरह लगाते हैं ना, तो अस्तर को साटना होता है पहले, तो उसी को साट रहे थोड़ा उनका आते तक, तब तक जितना भी सके। तो बहुत अच्छा लगता है उनका कामों में हाथ बांट देने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि है ना उनको भी थोड़ा राहत मिल जाता है। तो इसलिए उतना तो उनका हाथ नहीं बांट सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, मेरा घर का भी काम होता है। तो फिर भी जितना भी करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हमको। और उनका भी ना मन में रौनक दिखते हैं ना, मतलब अपने शक्ल पे रौनक दिखते हैं ना, पूरा अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी मिलता है। तो इधर है ना, बातें करते करते है ना, एक तो देखिए शर्ट लिए हैं, और एक मतलब दो दो ही शर्ट, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। लेकिन तब तक है ना, मेरे सुनू का वो आ चुके थे। तो दुकान से आ गए तो हमको बोल रहे थे कि जाओ तुम अपना नाश्ता बनाओ, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि है ना नाश्ता भी सुबह जल्दी बनाना है, क्योंकि चले जाएंगे। और कितना दिन से ऐसा होता है ना, तो मतलब नाश्ता करके ही नहीं जाते हैं, तो इसलिए बोल रहे थे जाश नाश्ता करके जाएंगे, और जो है आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए है ना, उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए हम थोड़ा सा करके ही चले गए थे। तो यही रहा एक ही पीस बाकी, और तब तक तो आ ही गए थे, और है ना ऊपर छत पे गए थे, तो बकरी सबको खोल के चले आए हैं। तो क्या करें, ऊपर से नीचे तक संभालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे दोनों बच्चे हैं। तो एक बच्चे तो मेरे हैंडीकैप है, पाँव में पूरा प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं है, तो है ना। और एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा चंचल है, और ऊपर बकरी है, मुर्गी है, और है ना आजकल चूल्हे में खाना बना रहे हैं, क्योंकि गैस का आजकल इतना दाम हो गया ना, क्या करें। तो इधर देखिए छत पर चले आए हैं, मछली लेके आए हैं 250 ग्राम मछली। तो इसलिए ना उसी को फ्राई कर रहे हैं, और चूल्हे पर इतना गर्मी है ना सुबह से, आज बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो इसलिए है ना फिर भी बना रहे हैं, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम है, और है ना तो अभी गैस ख़त्म ही होने वाला है, तो रात बिरात गैस ज़रूरत होता है बच्चे लोग के लिए, फिर चूल्हा जलाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है ना मेरे प्यारे दोस्तों,
मेरा आज का वीडियो देखिए, मेरे बच्चे लोग मतलब खाना पीना खिला के नहला के सुला दिए, तो देखिए इसका अबू जुम्मा पढ़ के चले आए हैं, तो इधर देखिए उनका टोपी लेके सोए हैं। तो मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे। देखिए।